हैं स्वामी ओम जी के पास, जो कि लाइव खुद कुछ आप लोगों से रूबरू होना चाहते हैं, अपना बयान देना चाहते हैं, अपने बारे में सफाई देंगे स्वामी ओम जी। सच्चाई बताऊंगा, सफाई नहीं दूंगा। वो तो सलमान खान को पीट करके, बिग बॉस को लात मार करके मैं खुद आया हूँ, मुझे नहीं किसी ने निकाला। सिर्फ ये है कि 30 जिस दिन 23 तारीख को प्रियंका जग्गा को सलमान खान ने कहा था गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, उसी वक्त मैंने सलमान को कहा था कि प्रियंका को तो तुमने निकाला, लेकिन इसका बदला मैं तुमसे लूंगा लूंगा जरूर, और जब मौका मिलेगा मैं तुझे पीटूंगा जरूर। उसके चक्कर में, क्योंकि वो भी खुद के आदमी है मेरी तरह, उसने बिग बॉस के साथ सेटिंग की। 30 दिसंबर को उसने मुझे किंग ऑफ फुटेज का अवार्ड देकर के मुझे खुश करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में 24 घंटा सिर्फ प्रियंका के साथ जो उसने शाब्दिक दुर्व्यवहार किया था वो बदला लेने की भावना चल रही थी। जब मुझे किंग ऑफ फुटेज का अवार्ड देने के बाद जब उसको सिगरेट की पीने की तलब लगी, क्योंकि वो स्मोक चेन स्मोकर है वो, और उसने गेट के पीछे से अपने बॉडीगार्ड शेरा से सिगरेट लिया और शेरा को अंदर लाने की कोशिश की, तो मैंने कहा कि भाई ये तेरा घर नहीं है, ना ही बिग बॉस का घर है। जब तक मैं इस घर में हूँ तो, और जब तक मेरा कब्जा है, तब तक ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस घर में तुम्हारा रूल नहीं चलेगा, मेरा रूल चलेगा, और शेरा को हम अंदर आने नहीं देंगे। उसके बाद वो सिगरेट पीने लग गया। मैंने कहा ये मेरा घर है, यहाँ का रूल है, तुम स्मोकिंग जोन में जाकर के सिगरेट पियो, सामने स्मोकिंग जोन है, हम यहाँ तुम्हें नहीं पीने देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कुछ उसके बाद सलमान जो लाइटर जला रहा था सिगरेट के साथ में, उसने बंद कर दी सिगरेट, वहाँ पर उसने जलाया नहीं। जब वो स्मोकिंग जोन वाले जगह में गया तो उसने मुझे आवाज़ दी कि स्वामी ओम जी आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं तो उसके पीटने के चक्कर में था ही, पहले से 23 दिसंबर को ही मैंने उसको बोल दिया था ये बात। मुझे मौका मिला जब उसने बुलाया, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी ये थी कि उसने मुझे जाते ही कहा कि स्वामी ओम जी आपकी जो ओम जी हिंदू सेना है उससे बड़ी कई सेनाएं मेरे पास में हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा कि अजहर मसूद जो वहाँ का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का दुश्मन बैठा हुआ है, लश्कर ए तैयबा का जो मालिक है, जो प्रेसिडेंट है, वो उसका क्या नाम है, हाफिज सईद, अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम, ये लोग सब मेरे दोस्त हैं, ISI का मैं एजेंट हूँ, मैं आपकी हत्या करवा दूंगा या कर दूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि बॉम्बे केस में हमने 6 को मार दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज को 100 करोड़ दे करके, सुप्रीम कोर्ट के जज को 200 करोड़ दे कर खरीद करके हमने अपने आप को बरी कर लिया। तो चूंकि मैं देशभक्त हूँ और कानून को मानता हूँ, और मैं खुद PIL लगाता हूँ लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, मैं खुद आर्गूमेंट करता हूँ, मैं खुद LLB हूँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद जब उसके बेवकूफ़ी की इंतहा हो गई, जब उसने पहला कश लेकर के धुआं मेरे मुंह पे छोड़ा, तो उस वक्त ये मेरी उंगली जख्मी नहीं थी, ये उंगली मेरी बिल्कुल सही थी, तो पहला तो सन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पे लगा, कान पे बजाते हुए इस दाएं हाथ से, दूसरा लगा इस हाथ से, तीसरा लगा मेरा लात उसके पेट में, लड़खड़ा करके वो नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद मैंने कोशिश की उसको घसीट करके कैमरे के सामने लाने की, लेकिन वहाँ पे जो लड़के थे वो सब के सब भाग करके आए। इसने मेरे पैर पकड़ लिए सलमान खान ने, मुसलमान होते हुए भी, कि स्वामी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। तो स्वामी जी, आप जैसे कि आप अंदर थे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप जैसे कि लाइव अंदर थे, प्रियंका भी अंदर थी, तो क्या प्रियंका की तबीयत खराब थी सच्ची में अंदर? आप वहीं तो थे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि प्रियंका की सिर्फ तबीयत खराब नहीं थी, बल्कि प्रियंका की तबीयत खराब की गई थी एक साजिश के तहत, क्योंकि क्योंकि प्रियंका उन मेरे अलावा प्रियंका को कोई भी नहीं प्यार करता था, और सबको ये पता था कि स्वामी ओम जी और प्रियंका ही फाइनलिस्ट में जाएंगे, तो स्वामी जी तो वो क्या एक लोग, बीमार आदमी टास्क कर सकता है? सुनिए, प्रियंका बीमार नहीं, बल्कि प्रियंका को बीमार किया गया किया था, गया था। उसके खाने में कुछ ऐसी चीज मिलाई गई थी उन दुष्टों द्वारा, और वो भी भले ही प्रियंका किसी वजह से वो नहीं बोल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बिग बॉस उस साजिश में शामिल थे, और वो तो शामिल हो या ना हो, लेकिन वहाँ जो लड़के लड़कियाँ हैं, मनु, मनवीर, लोपा, नितिभा, इन लोगों ने प्रियंका के जाने के बाद भी कहा था कि बीमार तो हमने किया था, जी मेरी बात हुई थी, जी और हमारी तो पूरी पूरी कोशिश थी कि प्रियंका यहीं पर मर जाए, लेकिन परमात्मा की कृपा है, प्रियंका की माता जी उनके पिता देवता स्वरूप में रहे, जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, तो वो जो अच्छे संस्कार थे प्रियंका के, जो तपस्या थी, वो रोज़
मेरे साथ बैठ करके प्रार्थना करती थी, पूजा करती थी प्रियंका। वो उन प्रार्थनाओं ने प्रियंका को बचाया, क्योंकि लिखा है जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। हाँ, इतना जरूर है कि सब चाहते थे कि प्रियंका मर जाए। प्रियंका की हालत बहुत सीरियस हो गई थी, मेरे चिल्लाने पर डॉक्टर आते थे वहाँ। स्वामी जी, गालियाँ तो इस हिसाब से सबने ही दी हैं वहाँ, गालियों में तो आपको क्या लगता है? मैं आपको एक चीज बताऊँ कि प्रियंका को भले ही सलमान खान एंड गैंग से डर लगता हो, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। नहीं स्वामी जी, जैसे गाली बानी है, बानी है, लोपा है, ये सब इन्होंने भी गालियाँ दी हैं, खूब गालियाँ दी हैं। इनका काम ही यही है। आप मैं मुझे कहते हुए कोई दुख नहीं है। आप ये देखिए कि बानी का को फोटो आप नेट पे देखेंगे जी, नेकेट फोटो मिलेंगे उसके, प्योरली नेकेट जी। तो क्या नेकेट रहने वाली लड़की जो ना तो फिल्म हीरोइन है, ना वो सनी लियोनी है जी, तो वो अपना नेकेट फोटो किसको दिखा रही है? जबकि उसका किसी से इंटरनली एक एंगेजमेंट हो चुका है, तो तुम पति को दिखाओ ना, अपना नेकेट शरीर दिखाना ही है तो दूसरे को क्यों दिखा रही है? उसका सीधा मतलब ये है, उसका चरित्र कैसा हो सकता है, इस बात से साबित किया जा सकता है, हो सकता है। स्वामी जी, किसी चरित्र पे तो हम नहीं बोलना चाहेंगे। मैं प्रियंका के चरित्र पर बोलना चाहता हूँ। प्रियंका को मैंने देखा, प्रियंका जब आई तो सबसे पहला प्रियंका का शब्द था, यहाँ जितने लड़के हैं वो सब के सब मेरे भाई हैं, मेरे दोनों बेटों के मामा हैं, और जितनी लड़कियां हैं वो सब मेरी बहनें हैं जी। और वो सिर्फ उसने कहा नहीं, आप ये देखिए, जब वाइल्ड कार्ड में प्रियंका आई थी तो जो डोम वाला टास्क था उसमें, तो स्वामी जी आपको क्या लगता है, जो सलमान खान जी ने टीवी के ऊपर लाइव सबके आगे बोला गया कि अगर ये लाइव कलर पे काम करेंगे तो मैं नहीं करूंगा, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? धमकी के नजरिए से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं आप? ये धमकी तो है ही, लेकिन उसका धमकी हमने खत्म कर दिया, इसीलिए क्योंकि ये धमकी उसने स्क्रीन पे भले ही मेरे लिए नहीं कहा, लेकिन लोगों को कहा कि स्वामी जी को यदि कोई फिल्म देगा तो हम उसका बहुत बुरा हाल कर देंगे। असर उल्टा हो गया, मेरे पास में हॉलीवुड बॉलीवुड रीजनल फिल्म की लाइन लग गई है, तो सलमान खान अब जीरो हो चुका है, उसको जो और फिल्में मिलने वाली थी। परसों भी स्वामी जी, अगर आपने देखा हो तो बानी और लोपा को आपस में मिलाने के लिए ये धमकी दी गई कि आफ्टर पार्टी करनी है ना तो आप लोग ठीक से रहिए, वरना आपका क्या विचार है कि ये धमकियां देके ही काम करा रहे हैं? मुझे इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो मैं चैनलों पर भी बोल चुका हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बानी का सलमान खान के साथ में बहुत पुराना रिलेशन है। आप ये देखिए, 30 दिसंबर को जब सलमान खान मेरे से मिलने आया था तो बानी के बगल में बैठा था जी, उसका लड़कियां तो और भी थी, लोपा थी, नीति। स्वामी जी, आपका परसों का क्या प्लान है? परसों मैं निश्चित रूप से सलमान खान को जोधपुर में पीटूंगा जी, उसके बाद जेल में भेजूंगा। कितने बंदे जा रहे हैं आपके साथ, आपके कितने बंदों के लोग हैं आपके? अब उसके बारे में मैं अभी खुलासा नहीं कर सकता जी, जी। क्योंकि हमारा मतलब आपकी संस्था आपके साथ पूरा इंडिया साथ है, आपके पूरा वर्ल्ड मेरे साथ है जी, जी। आज की स्थिति यह है कि 40 करोड़ लोग जी मेरे भक्त है जी, जो ईंट से ईंट उनको बजाएंगे जी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज हम स्वामी जी के साथ, धूप में बैठते हैं, जल्दी दोबारा लाइव होंगे स्वामी जी के साथ। सी यू गाइस, दिस इज ओनली फॉर यू। नाश्ता में बाय एवरीवन।